मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज सैटरडे हो गया है और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। तो हस्बैंड इस टाइम पे ना ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे थे, तो उनके ऑफ़िस जाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम घर के सारे काम निपटा लूँ। तो आजकल झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह तो नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं स्टोव और कुकटॉप वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है, तो बस टिफ़िन पैक कर दिया। उसके बाद हस्बैंड जाएंगे ऑफ़िस के लिए, लेकिन उससे पहले हमने नोनू के लिए जो गिफ्ट मंगाया था तो वो आ चुका है, जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। तो सबसे पहले हम वो खोल के दिखाते हैं और दिखाते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या आया आज है। आया है नोनू का गिफ्ट और इसी का मुझे वेट था। मैं कुछ दिन पहले बता भी रही थी नोनू के लिए मैंने कुछ सोचा है। एक्चुअली नोनी के लिए मंगाई है हमने साइकिल, और ये उसके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि ना उसे साइकिल बहुत पसंद है। पड़ोस में बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, वो उनके पीछे भागता रहता है और फिर इसे बस साइकिल ही चाहिए होती है। साइकिल के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो नोनी के लिए आज हमने मंगा लिए फाइनली इसकी साइकिल, इसकी अपनी साइकिल। बेटा आपके लिए ये देखो, मम्मा ने मंगाया ना। पापा थैंक यू बोलो। थैंक यू पापा। देखो कितना एक्साइटेड होके देख रहे हैं। तो चलिए खोलते हैं। एक्चुअली हम सब तैयार होके जाने वाले थे सब्जी लेने के लिए, लेकिन अचानक से फिर डिलीवरी वाला आ गया। तो क्या निकला इसके अंदर? वाओ। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे। और सारे पार्ट्स ना इसके अलग अलग करके आए हुए थे, तो हमें इसे अच्छे से असेंबल करना था। और इसे असेंबल करने में ना काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो गया, और इसमें जो पिक्चर्स दी हुई थी, मैनुअल दिया हुआ था, उससे तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे, तो तब जाके थोड़ा बहुत वीडियोज़ देख देख के हमने पूरी साइकिल असेंबल की। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हस्बैंड को भी आज ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया। एक्चुअली हमारी स्कूटी हस्बैंड के ऑफिस में ही थी, तो उनके ऑफिस से कोई आया हुआ था उनको लेने के लिए, तो हमने ना भैया को भी रोक लिया कि हमारी हेल्प कर दो साइकिल असेंबल करने में। तब जाके नोनू की साइकिल जो है असेंबल हो पाई। कैसी लगी आपकी साइकिल? नोनी की न्यू साइकिल असेंबल हो गई है फाइनली। पूरे 1-1.5 घंटे लगे हैं इसको असेंबल करने में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है। बैठे बेटा साइकिल में बैठे। बेल बजा के दिखाओ बेटा, ये देखो सबको दिखा दो न्यू साइकिल। वाव, बैलून भी लगा दिए मम्मा ने। तो फाइनली नोनू की साइकिल जो है अटैच हो चुकी है, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से असेंबल हो गई, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये साइकिल जो है इसके पापा ने नोनू के लिए मंगाई है, और नोनू का गिफ्ट रेडी हो चुका है। इसके साथ में मिली है एक बोतल यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इसको अटैच करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। घर पे नई गाड़ी आती है ना, तो इसी तरह से हम लोग तिलक करते हैं, पूजा करते हैं और फूल चढ़ाते हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो। तो ये नोनू की पहली साइकिल है, लाइफ की पहली साइकिल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे तिलक करूँगी। और साथ ही मैंने नोनू का भी तिलक कर दिया है, क्योंकि साइकिल चलाने वाला तो वही है ना। तो ये नोनू की फर्स्ट साइकिल है, और ये हमारी तरफ से नोनू को गिफ्ट, और काफ़ी खुश भी था वो उसमें। इस तरह की साइकिल मैंने इसलिए ली क्योंकि ये 2-3 साल तक काम आ जाएगी, और बाद में चाहें तो हम इसके जो साइड की ग्रिल्स लगी होती है ना, वो हटा भी सकते हैं। आज मॉर्निंग में ना पतीला खाली नहीं था, तो इस वजह से मैं दूध बॉयल नहीं कर पाई। तो अभी मैं इसको रखती हूँ बॉयल होने के लिए। और लंच हमारा बना हुआ रखा है, पालक की कढ़ी बनाई है मैंने, तो राइस भी मैंने बनाया है, तो स्वास्तिक और मैं वही खाएंगे। इसके लिए मैंने अलग से निकाल के रखी है, और अपने लिए मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। तो ये हमारा लंच है, और बर्तन थोड़े बहुत रखे हुए, वो हाउस हेल्प आके क्लीन कर देंगी बाद में। साइकिल असेंबल हो चुकी है। साइकिल के चक्कर में ना हम लोग सब्जी लेने भी नहीं जा पाए, सब्जियां लानी थी। एक्चुअली प्याज खत्म हो गया है, और शाम को बनाने के लिए कुछ नहीं है। तो नो, इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, सो ही नहीं रहा है। तो अब इसको मैं लंच कराने के बाद ही सुलाऊंगी। तो सब्जी भी मंगवानी है मुझे, मैं सब्जी वाले भैया को मैसेज कर देती हूँ, वो घर पे ही पहुंचा देंगे। तो चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। वीडियो अपलोडिंग पे लगा रही हूँ, और मुझे शाम को 4 बजे तक वीडियो अपलोड करना है। और लैपटॉप जो है मैं नीचे रख नहीं सकती हूँ उस वाले टेबल पे, ना कहीं रख सकती हूँ, क्योंकि नोनू जो है ना पूरा लैपटॉप खराब कर देगा, उसके ऊपर ही चढ़ के बैठ जाता है। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ घर में एक यही जगह है जहाँ पे मैं
लैपटॉप रख के काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है और वीडियो मैंने लगा दिया है अपलोडिंग पे, तो एक दो घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगा। वो सारे कपड़े आपको दिख रहे होंगे तो वो मैं डोनेट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो अभी जो है फिलहाल नोने की साइकिल तो अटैच हो चुकी है, सिर्फ एक जो डायरेक्शन कंट्रोल वाली जो रॉड होती है ये वाली, तो ये वाली अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रही है, बाकी तो पूरी अच्छे से अटैच हो चुकी है। उसी का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ना मैं लंच कर लेती हूँ, भूख लग रही है, 2 बज गए हैं, तो नोनो को मैंने लंच करा दिया है। ये है मेरा लंच, ये है पालक की भुजिया और पालक की कढ़ी, इसमें एक लाल मिर्च भी डाली हुई है मैंने, और ये है सैलेड। तो जल्दी से टेस्टी सा लंच कर। गुड इवनिंग, तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और स्वास्तिक जो है जस्ट अभी उठा है, मैं भी थोड़ी देर सोई थी 15-20 मिनट और फिर उसके बाद किचन में आके मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अरबी की सब्जी मैंने रख दी है बनने के लिए, आटा मैंने गूंथ के रख लिया है, तो डिनर का आधा काम मेरा हो गया है। और यहाँ पे साबूदाना मैंने सोख करके रखा है, साबूदाना की खीर बनाऊंगी मैं नोनू के लिए, तो अभी वो खेल रहा है इधर उधर भाग रहा है, मैंने उसको बनाना दिया हुआ है। तो अभी जो है ना आज मॉर्निंग में सब्जियां नहीं ला पाई तो मैंने मैसेज करके मंगवा ली थी, एक लौकी और एक्चुअली ना सब्जी लाने तक, मतलब मेरे खाना बनाने तक सब्जियां नहीं आई थी, इसलिए मैंने फिर अरबी बना ली, अरबी रखी हुई थी मेरे पास पहाड़ी वाली, अदरवाइज मैं लौकी बनाने वाली थी। तो गाजर भी आई है, गाजर का जूस बनाना होता है मुझे, तो जूस बनाने के लिए 1/2 kg गाजर अब कुछ टाइम की बची है, उतनी अच्छी नहीं आती है। उसके अलावा मटर है, आलू प्याज है इसमें, तो मैं इनको वो करती हूँ, क्लीन करती हूँ सब्जियों को, उसके बाद रखती हूँ अरेंज करके। बनाना खाया, तो स्वास्तिक के साथ भी थोड़ी बहुत मस्ती मैं करते रहती हूँ ताकि वो बिल्कुल भी बोर ना हो। और साथ में यहाँ पे जो सब्जियाँ आई थी मैं इनको वॉश कर दूँगी, तो कुछ देर में ही ये जब सूख जाएंगी उसके बाद इनको लगा भी दूँगी, ताकि ना कुक टॉप जो है एकदम मैसी ना दिखे, क्योंकि सब्जियाँ और सारे बर्तन वगैरह भी जब कुक टॉप पे रखे होते हैं ना किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, तो देख देख के ऐसा लगता है कि कितना सारा काम पड़ा हुआ है। तो स्वास्तिक यहाँ पे बिजी है, अपना गेम खेलता रहता है कुछ ना कुछ, तो साथ ही साथ मैं किचन के काम भी करते रहती हूँ, घर के बाकी काम भी निपटाती हूँ और बीच बीच में नोनू के साथ भी मस्ती करते रहती हूँ। तो इस तरह से ना दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, बेबी को भी पूरा टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो भी अकेले है, तो इसीलिए मैं ही तो उसकी फ्रेंड हूँ ना, तो मैं अपना पूरा टाइम उसको देने की कोशिश करती हूँ। तो ये मटर भी मैंने पील कर दी है, और आजकल मटर ना उतनी अच्छी नहीं आती है, तो काफी छोटी छोटी मटर थी, इसको पील करने में काफी टाइम लग गया। यस बेटा यस, मटर खाओगे आप? तो ये इतने सारे मटर इसको मैं रख देती हूँ। कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं मैंने, और कुछ कपड़े और हैं वो मैं बाद में फोल्ड करूंगी। फिलहाल यहाँ पे चाय टाइम हो गया, मैंने चाय रख दी है अपने लिए, और करीबन आधे घंटे हम बाहर घूम के आए। मैं दिखाती हूँ स्वास्तिक कहाँ पे है, तो ये अंदर आने को तैयार ही नहीं होता है, तो इसलिए ना ये वाला डोर मुझे ओपन रखना पड़ता है मजबूरी में, और झाड़ू पकड़ के इसने, बेटा झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाओ, पूरे घर में झाड़ू लगाओ, ठीक है? आप डेली आप ही लगाओगे अब। और शाम के टाइम पे घर पे आ गई थी नोनू की फ्रेंड टिन्नी, तो इन दोनों की मस्ती ना देखने वाली होती है, बहुत मज़ा आता है जब ये दोनों एक साथ खेलते हैं, लड़ते हैं। नो टिन्नी तो भी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसे उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और स्वास्तिक इतनी शैतानियां करता है उसके साथ। क्या नाम है उसका? नानी नानी, सॉक्स नहीं बेटा, सॉक्स नहीं, सॉक्स नहीं, बहनी के सॉक्स हैं बेटा, बहनी के चौक जाए नानी, ये लो बॉल, लो टीनू को बॉल दे दो, टीनू आप ले जाओ बॉल, आप नानी तो खेलता नहीं है, है ना, सॉक्स मत निकालो गंदी बात। गुड इवनिंग, अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और टिन्नी चली गई है अपने घर, तो मैंने दिया बत्ती करी ना, तो ये जो है दोनों घंटियां पकड़ के ले आया, छोटी और बड़ी दोनों, तो इसका यही है, मैंने कहा मंदिर में चलते हैं जय जय करने के लिए, तो वहां पर जाके
हाथ जोड़ने लगा और उसके बाद इसे घंटी दिख गई, तो वहां से ये पकड़ के ले आया, छोड़ ही नहीं रहा। तो ऐसे होते हैं इसके काम। तो अभी जो है मुझे साबूदाना का खीर बनानी है नोनी के लिए, और उसके बाद कुछ कपड़े स्ट्रॉलर पे भी रखे हुए हैं उतने सारे, वो भी मुझे फोल्ड करने हैं। तो चलिए अभी ये काम कर लेते हैं फटाफट से। और टिनी आती है, और बाहर बच्चों के साथ हम लोग काफ़ी देर घूम के आए ना, तो मन लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है, माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि दिन भर घर के काम कर करके और नोनू इतना ज़्यादा परेशान करता है, किसी टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो बाहर जाओ ना लोगों के साथ, बच्चों के साथ, थोड़ा सा मन लग जाता है और माइंड रिफ्रेश हो जाता है, हल्का हो जाता है। करती हूँ मैं साबूदाना की खीर, और उसके बाद फिर मैं सबके साथ किचन भी ऑर्गेनाइज करूँगी। के बाद हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में, और आजकल ठंड बहुत कम हो गई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो ये वाला बीच का जो मौसम होता है ना, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है, तो ये मौसम सबसे बेस्ट रहता है। तो सुबह सुबह बाहर जाके देखना, बर्ड्स की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी एक्चुअली, सबसे पहले मैंने वो फिल की, एक साइड मैंने रखी है चाय और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी माड़े। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी है हमारे कुमाऊनी स्टाइल। तो हमारे यहाँ ना चावल के आटे से इसी तरह से चीले टाइप के बनते हैं, और माड़े ही कहते हैं इसको, मैंने कई बार बताया भी है आप लोगों को। तो ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो एक्चुअली ना मैं दो तवे लेके इनको सेकूंगी, क्योंकि एक माड़ा बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, इसीलिए मैंने दो तवे एक साथ चढ़ा दिए थे, ताकि साथ साथ मेरा और काम भी करते रहूं, और ये माड़े भी जो हैं जल्दी से बन के तैयार हो जाएं। इसके बाद नहा धो के मैंने दिया बत्ती कर ली थी, और उसके बाद हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग, सुबह के 10 बज गए हैं और हमारी चाय बन रही है अभी नाश्ते के साथ वाली। गुड मॉर्निंग स्वास्तु, गुड मॉर्निंग स्वास्तु के पापा। इधर देखो, सब नहा धो के तैयार हो चुके हैं, मैंने दिया बत्ती कर दी है, और आज मैं सोच रही हूँ ना, ये देखो फुल गर्मियों वाले लुक में आ गए हैं मिस्टर रावत। फटाफट से नाश्ता करते हैं, यहाँ पे लंच बन चुका है। और मिस्टर रावत के काम मैं आपको बताती हूँ, ये टिफिन कभी गाड़ी में भूल जाते हैं, कभी ऑफिस में भूल जाते हैं। उस दिन जो है गाड़ी में भूल गए थे, और आज मतलब कल जो है, कल ये टिफिन अपने ऑफिस में भूला है, और मेरे पास खाना पैक करके देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो बोल है मेरे पास बड़े वाले, इसके साथ लिड भी आती है ना, लिड भी है इनकी, तो इसी में मैं पैक करके दे रही हूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पुराने टिफिन जो मेरे पास थे पहले, सब इधर उधर चले गए, मैंने बांट दिए एक्चुअली, किसी को दे दिए, तो मेरे पास ना पुराने टिफिन भी नहीं बचे हुए हैं, और कोई खाली भी नहीं है, तो इसलिए ना कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे इसी में पैक करके देना पड़ेगा। तो चलिए पहले लंच पैक कर लेती हूँ। इधर साइड चाय बन रही है, स्वास्तिक को नाश्ता करा दिया है, क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तन भी इतने सारे हो चुके हैं डन, और कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, तो सुबह सुबह सारा काम हो गया है मेरा। तो चलिए अब जो है ये खाने पीने का काम करते हैं, और उसके बाद मुझे आज बालों में करना है कलर, क्योंकि ना बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं अंदर अंदर से, तो मैं आप सोचूं अपना हेयर कलर करती हूँ। नाश्ता मैंने लगा दिया है, और ये है चावल के, मतलब चावल के आटे से बने हुए माड़े, चाय, और ये भांग की चटनी मैंने उस दिन बनाई थी, तो रखी हुई थी, मैंने सोचा आज इसको यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी। बेटा जल्दी आओ, तो इसे अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर आ गया ये और बस इधर से उधर भागा जा रहा है। वैसे यहाँ पे सारी जगह ना क्लीन करके रखी हुई है मैंने, और ये है आम का पेड़, इसमें ना अब फूल आने लगे हैं, कुछ टाइम में इसमें छोटी छोटी कलियाँ भी निकलेंगी, तो अब जल्दी इसमें आम आएंगे। और वो है लीची का पेड़, उसमें भी फ्लावर आने लगे हैं। ये कलर मैंने मिक्स कर दिया है गार्नियर का, और ये ब्लैक नेचुरल है, वैसे मुझे ब्राउन अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ना एक गलती से आ गया था, तो अभी मैं ये लगा लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं दूसरा मंगाऊंगी। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरे बाल पहले सूख गए थे, और मुझे लगा लेना चाहिए था मॉर्निंग में, लेकिन ना कुछ काम बहुत सारे हो रहे थे, तो इस वजह से टाइम ही नहीं हो पाया, तो मैं फटाफट लगाती हूँ, और उसके बाद जो है हाफ एन आवर के बाद मैं इसको वॉश भी कर लूंगी। लग चुका है, और इसको मैं रखूंगी आधे घंटे, उसके बाद मुझे हेयर वॉश करना है, तो जल्दी से ये सूख जाए, क्योंकि स्वास्तिक जो है ना वो मुझे रखने नहीं देगा ज्यादा देर तक कलर। तो चलिए इसको सूखने का वेट करती हूँ मैं। जय द
दोपहर के दो और हेयर वॉश कर दिया है मैंने, हेयर कलर अच्छे से हो चुका है। तो अभी जो है ना मौसम एकदम वो वाला हो रहा है, मतलब बारिश वाला, और बादल लग गए हैं मेरे हाथ आप देख लो। मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मेरे पास रखे हुए थे लेकिन मुझे भी ना आलस आ रहा था, मैंने सोचा चलो ऐसे ही लगा लेते हैं, तो इस तरह से मेरे हाथ हो गए। तो एक दो दिन में ही ठीक हो जाएंगे खुद ही। तो नूनू को देखो साइकिल में बैठने की कोशिश हो रही है इसकी। तो अब जो है आपको ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज दिखेगी, थोड़ा सा मैंने चीज़ें इधर की उधर रखी हुई हैं। तो ये वाला कैबिनेट जो है अंदर रखा था मैंने, बेड साइड टेबल है ये, तो ये ना मैंने अंदर रखा हुआ था। टीवी कैबिनेट बनाया था इसको मैंने छोटा सा, लेकिन वहाँ पे जो सेट टॉप बॉक्स रखा है और वो रखा है पावर प्लग रखा है। स्वास्तिक जो है बार बार वहाँ पे जाता है, हाथ लगाता है, उसको फेंकता है। वाईफाई कनेक्शन है हमारा, तो मुझे डर लगता है कहीं करंट वगैरह ना लगे, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो ऊंची वाली टेबल रखी थी मैंने, बड़ी वाली कैबिनेट, बेसिकली वो एक शू रैक है, तो लेकिन मैंने उसको कैबिनेट बनाया हुआ, उसमें और चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें क्लटर रखा हुआ है स्टोर करके, तो वो मैंने अंदर बेडरूम में रख दिया है। उसके ऊपर मैंने वाईफाई सेट टॉप बॉक्स सारी चीज़ें रख दी हैं, तो वो चीज़ें सेफ रहेंगी, अब स्वास्तिक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और जितने भी वायर कनेक्शन हैं वो सब मैंने ऊपर कर दिए हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सेफ हो जाएगा और मुझे भी डर नहीं लगेगा। तो वहाँ पे इसके लिए जगह नहीं हो रही थी, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ रख नहीं सकती हूँ फ्लावर वगैरह, क्योंकि स्वास्तिक जो है उसको तोड़ देगा, पटक देगा, मतलब बार बार उठा के वो फेंकता रहता है, तो रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने खाली रखा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने थोड़ी सी सेटिंग, जब घर में बच्चा होता है ना तो सेटिंग आगे पीछे करनी ही पड़ती है, अभी के पीछे पड़ गया है अपनी, तो इस तरीके से होता है। और मैंने लंच कर लिया है, साथी को भी लंच करा दिया है, अब मैं इसको सुलाने जा रही हूँ, और साथ ही इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ आजकल नोनू की वजह से, टाइम नहीं हो पाता है और ना ही कोई रेसिपी वगैरह आजकल शेयर कर पाती हूँ। आओ बेटा आप भी आओ। तो चलिए अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का, हम जा रहे हैं सोने के लिए, सबसे पहले स्वास्तिक सोएगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेटा इधर आओ। तो ये भी ऊपर आ चुका है मेरे साथ, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इसके साथ व्लॉगिंग करना कैसा होता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना इसी तरह से। ये मिलते हैं विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।